Assalamu alaikum viewers, this is Tayyab Safiyan and welcome back to Parkland. पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं सियासत, कहीं क्रिकेट, कहीं महंगाई की बात हो रही है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिकेट यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2022 और महंगाई के बारे में। इंडिया से पहली हार हुई, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हम हार गए। द सेकंड मैच जो कि हम जिम्बाब्वे से हारे, मेरा ख्याल है कि ये मेरी सबसे बड़ी हार थी। जिम्बाब्वे से हार जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी जिंदगी में पहली मरतबा। ओके चलो कोई नहीं, क्रिकेट है होता है। साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से हार जाना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गए, जो मेरा अल्लाह चाहता है वही होता है। दूसरा बात करते हैं जी महंगाई के बारे में, और महंगाई भी सिर्फ सब्जियों और फ्रूट्स के बारे में बात करूंगा, तो इसीलिए हमने चक्कर लगाया सियालकोट की सब्जी मंडी का। सुबह सुबह हम निकले और ये शॉर्ट्स मुलाजा कीजिए, पहुंच चुके थे। और यहाँ हमारा सबसे जो पहला टारगेट था वो हमने आलू खरीदने थे और प्याज, जो अक्सर हम मार्केट में आते हैं तो ये चीजें खरीदते हैं। जो ही हमने आलू का रेट पूछा तो नए आलू 500 रुपए का 5 किलो मिल रहा था। रेट सुनते ही हमारा ये हाल हुआ। साथ ही में प्याज भी 600 रुपए का 5 किलो मिल रहा था, और महंगाई आसमान छू ही रही है। एक और हमारे जहन में चीज थी, मौसमी खरीदनी थी, और हमने फ्रूट वाला जो एरिया होता है वहां का रुख किया। ये था हमारा मंडी का एक शॉर्ट टूर। और हाँ, क्रिकेट के ऊपर थोड़ी सी बात, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।